तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे साथ हैं आशीष भाई, तो इनका यूट्यूब चैनल है आशीष एकेची। फटाक से सब्सक्राइब करो जल्दी से जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं मिल रही है तो भाई सर्च करके कर लो। और बहुत ज़्यादा हम लोग ड्रैग करके आए हैं और अभी इंट्रो यहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ मैं। मिक्स पी रहे हैं भाई, तो भाई एनर्जी थोड़ी ले रहा हूँ जरूरी क्योंकि कुछ तो मिल नहीं रहा, पानी लेने गए थे भाई, पानी नहीं मिला, तो अभी हम लोग एनर्जी बूस्ट करें अपनी। और यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्वाड बैटल को, तो यहाँ पे कोई एकदम फ्रेंडली रेस है, कोई भी किसी बाइक को लेकर जज मत करिएगा। सीसी जो यहाँ पे कोई सेम सीसी नहीं है, दो बाइक जो सेम सीसी की है, दो बाइक सेम सीसी, चार सीसी में है, दो दो अलग अलग सीसी की है। भाई हम लोग इंट्रो में बता देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो भी होता है कि हम लोग पहले बता, ऐसे जज मत, फिर भी लोग गालियां बकते, तो यार पहले इंट्रो कायदे से सुन लो, उसके बाद मेरे से देखो। वही बात है। तो और भाई आप लोग ऐसे ट्राई करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करो, और राइड करते समय हेलमेट जरूर पहनो और सेफ रहो और सेफ्टी का काफी ज्यादा ध्यान रखो। तो चलिए फटाफट वीडियो में मिलते हैं। अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक ग्रुप की नॉर्मल छूट एक, हाँ तो हम यहाँ पे चार बाइक की क्वाड बैटल करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो दो बाइक है वो 125 सीसी है और दोनों यहाँ पे 100 सीसी है, तो यहाँ पे मतलब सीसी कंपैरिजन, यहाँ दो बाइक अपने सीसी कैटेगरी में आती हैं, दो अपने कैटेगरी में, तो दो दो बाइक यहाँ डिफरेंट हैं। उस हिसाब से हम एक फ्रेंडली रेस करने जा रहे हैं, कोई यहाँ पे सीरियस रेस नहीं है, बस फ्रेंडली रेस करने जा रहे हैं हम लोग। कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस होता है, और एक हिसाब से इसको फ़न समझना आप, क्योंकि हम लोग ये रेस फ़न के लिए करने जा रहे हैं। और आप इसको बिल्कुल भी ट्राई मत करिए, और ये बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं करते हम लोग। और अगर जो आपको करने ही है, वैसे तो रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, करने ही है तो आप हमेशा सेफ हाईवेज ढूंढिए, हम लोग सिटी से बाहर आते करने। और भाई राइड चलाते और राइड करते समय हेलमेट ज़रूर पहने, और भाई बाकी आप कोरोना से बचने के लिए कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते फटाफट, तो वीडियो फटाफट शुरू करते। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, को भी सॉलो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। और हमारे साथ आज राइड करने जा रहे हैं एलके बाइकर और केसी व्लॉग और आशीष एकेसी, तो यहाँ पे इन लोग, चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ पे सुबह में एजेंसी है टक्कर में, केसी बहुत सबसे पीछे, और यहाँ पे पल्सर एक सबसे आगे, और वो आशीष भाई यहाँ पे ये निकल भाई प्लेटिना सबसे पीछे था भाई, इसका तो स्पीडोमीटर भी नहीं चल रहा है। What the fuck? वैसे मैंने जानबूझ के गाड़ी ली है क्योंकि मुझे पीछे से दिखाना था कौन सी गाड़ी कैसी जा रही है। चलते हुए आ
धरती का सीना चीरते हुए हाईवे की क्या बोलते हो, कुछ बोल ही नहीं सकते। आशीष भाई को देखो, मैं भी चिड़िया बनने जा रहा हूँ, तो अब मैं भी बन गया हूँ चिड़िया। और ये क्या, सौ से ऊपर है, जा ही नहीं रही है भाई। अगर जो हीरो सौ भाग रही है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब बकवास बंद करते हैं और गाड़ी भगाते हैं। प्लेटिना बहुत पीछे भाई, कुंदन भाई का वेट भी जाता है। वो दोनों 125 सीसी बाइक हैं और ये दोनों 100 सीसी। प्लेटिना का हालांकि माइलेज ज़्यादा है, देखो काफ़ी पीछे है वो। ऊपर नहीं जाएगी, मैं कुछ भी कर लू। और इसका गियर सिस्टम भी अलग है, चारों आगे। भैया आज तक मैंने पीछे वाले ही चलाए हैं, या दो आगे दो पीछे वाले चलाए हैं, बाकी यार दन बनाते हुए निकल गए सब। इवन स्प्लेंडर भी बहुत आगे है। भैया गलती हो गई, मैंने गाड़ी ले ली, भैया गलती हो गई, मैं मर ही जाऊंगा। चार गियर कोई फायदा नहीं है, प्लैटिना इट्स टू फार फ्रॉम दोज थ्री। ओ भाई प्लैटिना जो है ना मस्ती करने के लिए है, स्पीडोमीटर इसका नहीं चल रहा है तो जीपीएस मीटर लगा दूंगा मैं, तो टेंशन ना लें। बहुत आगे हैं दो और हम बहुत पीछे हैं, थोड़ा सा वेट का भी अंतर है। मेरा जो है 85-87 केजी का है और भाई सामने जितने भी लोग हैं ना बहुत हल्के हैं, मतलब 165 है, 170 है, 175 है। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे लग रहा है मैं बस यूं ही चला चल रहा ही चलता चला चल रहा ही चल रहा है। वाह हो, तो यहाँ पे LKO बाइकर जीत गए पल्सर लेके। आशीष आए हैं सेकेंड नंबर पे होंडा साइन लेके, और थर्ड आए हैं शुभम यदुवंशी हीरो स्प्लेंडर लेके, और फोर्थ आए हैं हमारे कुंदन भाई केसी व्लॉग्स प्लेटिना लेके। तो जैसा कि आपको पता ही होगा प्लेटिना का माइलेज काफ़ी ज़्यादा है, तो वो पावर और रेसिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। हाँ हाँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ माइलेज के लिए है बाइक, ये सिर्फ़ और सिर्फ माइलेज के लिए और राइड के लिए। और बाकी इसमें तो दोनों चीज़ आपको मिलेंगी, इसमें भी वही सेम। और हीरो तो आपको पता ही काफ़ी फेमस बाइक है, तो आप चला लो ये स्प्लेंडर, नहीं पल्सर। अच्छा मैं स्प्लेंडर चलाऊं? नहीं आप ये चलाओ। तो राइडर स्विच हो चुके हैं, कुंदन भाई आ गए हमारे पल्सर पे और LKO बाइकर आए हैं हीरो पे, और आशीष भाई प्लेटिना पे आ गए हैं। ऐसे भाई प्लेटिना वो माइलेज के लिए बनी हुई है, तो पावर उसमें अब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा उस हिसाब से। चलिए फिर रेस शुरू करते हैं। रुको, ये गियर गियर गियर, हाँ ठीक। शुभम यदुवंशी अब आगे आया है, हीरो साइन पाके। आशीष सबसे पीछे है, सेकंड नंबर पर कुंदन भाई और थर्ड पे LKO बाइकर। शुभम चीर दे आसमान का सीना, नहीं रोड का सीना चीर के शुभम भागता हुआ। Whoa!
शुभम भाई अभी सबसे आगे हैं और कुंदन भाई उससे पीछे, और एलके बाइकर भाई अपने जो है वो तीसरे नंबर पे, मैं हूँ चौथे नंबर पे। बट अभी शुभम भाई हो गए पीछे। साइन एक्सेलरेशन में बाजी मार गई है। बाकी दो जो गाड़ियां पीछे हैं हमारे वो 100 cc की हैं, तो माइंड मत करिएगा, ठीक है। 100 cc पावर नहीं है उसमें, बट वो माइलेज में दमदार हैं, मतलब जान है, देश की जान। स्प्लेंडर और प्लेटिना दोनों इंडियन कंपनी हैं, एंड पल्सर ने यहाँ पे बाजी मार ली है टॉप एंड पे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय बजरंगबली। बजरंगबली ये क्या हो गया? कुंदन भाई आगे, शाइन से आगे, क्योंकि शाइन जो है वो 100 पे लॉक है, एंड बाकी सबके सब पीछे हैं। ये देखिए, ये पीछे ही है मेरे। मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ फट भी सकती है, माइक उतना अच्छा नहीं है अभी। और जल्दी से भाई आप लोग चैनल शेयर करो, पैसा आए माइक चेंज कर लूँ। तो फिलहाल कुंदन भाई यार जीतने वाले हैं, बहुत आगे निकल गए कुंदन भाई। सिर्फ ट्रेनिंग करने करके देखूँ मैं कुछ फ़र्क पड़े। चलो सिर्फ ट्रेनिंग शुरू। स्पीड डाउन हुई है मेरी, तो यहाँ पे रियल जो विनर है वो पल्सर है एज पर CC। तो यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं था चारों का, बट हमने आपको दिखाया है एक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हेट कमेंट मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा लंबा खींचने का। कोई फर्क नहीं। कुंदन भाई जीत गए। मैं पहले रेस में थर्ड आया था, इस रेस में सेकंड आया हूँ। रिजल्ट वैसा ही सेम है जो पहले उसमें था, यहाँ पे राइडर का कोई फ़र्क नहीं हुआ भाई। जो फ़र्क है वो सब बाइक परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक ठाक हैं, तो वही था। कुंदन भाई जीत गए पल्सर लेके, शुभम भाई सेकंड आए हैं, और हमारे साहब भाई आए हैं थर्ड नंबर पे हीरो स्प्लेंडर लेके, और आशीष भाई लास्ट। आई होप, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राइड सेफ।